नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक नए मेडिसिन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे A2Z टैबलेट के बारे में, जो कि एक बेस्ट मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स एंड लाइकोपेन टैबलेट है। यह बाज़ार में काफ़ी चलती है और बहुत डॉक्टर इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है ये, बड़े बड़े डॉक्टर इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। अधिकतर कमजोरी होने पर इसे दिया जाता है, या कोई ऑपरेशन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तब ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि मरीज को कमजोरी जैसा महसूस ना हो तो इस टैबलेट को लिखते हैं। चलिए आज हम A2Z के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। उससे पहले आप वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर A2Z की कंपोजिशन की बात किया जाए तो इसमें जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम सल्फेट और एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लाइकोपेन, विटामिन्स और विटामिन में विटामिन ई, B5, B6, B2, B1, विटामिन ए एसिटेट, फोलिक एसिड, मिनरल, जिंक ऑक्साइड, सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। काफ़ी रिजल्ट इसका बेस्ट आता है। FSSAI द्वारा ये रजिस्टर्ड टैबलेट है। बाज़ार में मिलने वाले टैबलेट के अलावा ये सबसे बेस्ट टैबलेट है। बाज़ार में आपको अधिकतर जेनरिक टैबलेट ही लोग दे देते हैं, लेकिन A2Z ऐसा टैबलेट है जिसको हर मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा आपको, और इसके फ़ायदे भी बहुत है। ये आपको A2Z टैबलेट के इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए हम इसके फ़ायदे की बात किया जाए तो इसमें आँखों की क्षमता को बढ़ाती है, पाचन क्षमता को बढ़ाती है, स्कर्वी रोग में बहुत ज़्यादा ये उपयोगी होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है। A2Z से बहुत ज़्यादा बीमारियों में आपको अथी होती है सर, जैसे एनीमिया के इलाज में, मानसिक समस्याओं के रूप में, गर्भावस्था की समस्या में, सांस से जुड़ी समस्याओं में, विटामिन की कमी में, हाई ब्लड प्रेशर में, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, हृदय प्रजनन, विटामिन डी की कमी, खुजली, मनोरोग, यानी अधिकतर ये ऐसे अधिकतर रोगों में इसे दिया जाता है, क्योंकि किसी भी मरीज को कोई रोग होता है तो इससे उसके अंदर कमजोरी जैसा होता है, तो ये विटामिन की टेबलेट चलती है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेस्ट आता है, इसलिए अधिकतर डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। लोकल डॉक्टर तो इसको जेनरिक देने में जानते, लेकिन आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमेशा A2Z ही आपको देंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। अगर A2Z के उपयोग के बारे में बात किया जाए तो आप A2Z रेगुलर एक टैबलेट यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको सलाह लेना तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि डॉक्टर रोगी की अवस्था, उम्र, लिंग आदि देख कर ही देता है, लेकिन A2Z नॉर्मल एक टैबलेट रोज यूज होता है और इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है। A2Z की दुष्प्रभाव की बात किया जाए तो विटामिन्स को लिए दुष्प्रभाव नॉर्मल कभी भी नहीं आता है, बहुत कम आता है, गलत यूज करने पे ही आता है। A2Z के दुष्प्रभाव ना के बराबर ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी अगर ओवरडोज हो जाता है तो शरीर में प्रतिक्रिया, एलर्जी, साइड इफेक्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सबका एक समान हो, जैसे साइड इफेक्ट हो, जैसे अलग अलग हो सकता है। अगर आपको इसमें किसी विटामिन से एलर्जी हो तो आपको हो सकता है, कभी साइड लोअर बैक में पेन, दस्त, कब्ज, एनोरेक्सिया, एलर्जी, मतलब मार्ग में जलना, हल्का फुल्का सिर दर्द, ऐसी समस्या देखने को मिली, लेकिन बहुत नॉर्मल होता है, बहुत कम, 100 में 1-2% ही देखने को मिला, नहीं तो नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि विटामिन का टैबलेट है, अधिकतर लोगों को फ़ायदा ही होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बाज़ार में लेंगे तो जल्दी नहीं देते, आप मांगिए A2Z आपको आसानी से मिल जाएगा और इसका रिजल्ट आपको 2-3 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा, आपको पहले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर इसकी MRP की बात किया जाए तो यह 15 टैबलेट आपको 105 रुपये में मिलेगी, जितनी महंगी भी नहीं है, आपको आराम से 7 रुपये के आसपास पड़ेगी और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट बेस्ट आता है, सबसे बड़ा है। आप सस्ती दवा लेंगे 2-3 रुपये वाला रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, आप A2Z लीजिए, रिजल्ट सबसे बेस्ट आएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस अगले वीडियो में मिलेंगे नए मेडिसिन को लेकर।